कौन है भोले बाबा, हादसे के बाद कहां भागा? 30 एकड़ में आश्रम, मॉडर्न लुक और कारों का काफिला। जेल से लौटा तो नाम पहचान बदल डाले। हाथरस कांड में आरोपी भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बांटता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। दरअसल इन बाबा का आश्रम गांव में 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है। 2014 में उसने बहादुर नगर से मैनपुरी के बिछवा में अपना ठिकाना बदल लिया और आश्रम का प्रबंधन स्थानीय प्रशासक के हाथों में छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि उसने ठिकाना बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 तक लोग आते हैं। भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। वह अपने सत्संग में 3-पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता है। सूट और बूट का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचता है। बाबा का दावा, नौकरी छोड़ने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भोले बाबा अपने समागम में दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उसने VRS ले लिया। उसे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी में आध्यात्म की ओर उसे खींच कर कौन लाया। VRS लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वह कहता है कि मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। इस समय कई IAS IPS अफसर उसके चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर भी पहुँचते हैं। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।